इतनी बेरोजगारी है कि बीटेक पीएचडी करने के बाद भी कोई आठवीं पास वाली नौकरी भी इस देश का युवा करने को तैयार है। आज अगर हम देखें तो इस साल आंकड़े ये बता रहे हैं कि पहले क्वार्टर में इस देश में 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आज हमारी बेरोजगारी, हमारे युवाओं की बेरोजगारी 30% पे है। पोषण की बात देखने जाते हैं तो दुनिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकल के आता है। हम सोचते हैं कि हमारा भारत देश रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन करता है, हर साल 30,000 करोड़ टन से ज्यादा खाना हमारे देश में पैदा होता है, लेकिन आज भी 22 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोग कुपोषित हैं। हम दुनिया में 116 में से 101वें नंबर में हैं। ये 75 साल की आजादी के बाद शर्म की बात है अध्यक्ष महोदय। तो सवाल ये है कि अगर एक तरह देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, G20 में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुपर पावर बन रहा है, तो ये सब कुछ जा कहां रहा है? अगर लोगों के पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है, खाना नहीं है, अस्पताल का बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो फिर ये देश का पैसा जा कहां रहा है? इस सवाल का जवाब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने हमें दे दिया है कि इस देश का सारा पैसा जा कहां रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब गौतम अडानी जी की टोटल नेटवर्थ 60,000 करोड़ थी। 2022 में, और मुझे लगता है कि ये दुनिया के इतिहास में किसी की संपत्ति इस दर पे नहीं बढ़ी होगी। मुझे तो लगता है अडानी जी सेकेंड रिचेस्ट व्यक्ति होने के अलावा उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आना चाहिए कि इतने छोटे समय में फास्टेस्ट ग्रोइंग उनकी वेल्थ है कि 2014 में जो 60,000 करोड़ की उनकी संपत्ति थी, 2022 में 11.4 लाख करोड़ की गौतम अडानी जी की संपत्ति है। अब समझ में आता है कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इसका पैसा जा कहां पे रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी देश में, दुनिया में, संसद में कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जब अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मॉरिशियस की 6 शेल कंपनियां जो एक पते पर सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिसके इंप्लॉयज का कोई अता पता नहीं है, जब वो 6 कंपनियां एक एड्रेस से अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में 42,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो तब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई खत्म हो जाती है, तब कोई जेपीसी नहीं बनती है, तब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। और फिर वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी LIC को डायरेक्शन दिलवाते हैं कि अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करो। LIC में कौन पैसा लगाता है अध्यक्ष जी? इस देश के आम लोग पैसा लगाते हैं। तो एक तरफ एक आम इंसान के पास शिक्षा की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, खाना नहीं है, रोजगार नहीं है, और जब वो LIC में पैसा लगाता है, मोदी जी के दोस्त अडानी जी की कंपनी में पैसा लगाता है, तो 50 दिन में LIC को 50,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश की सच्चाई है।